क्लास सेवन्थ विषय विज्ञान 15-10-2020 10 अध्याय 10 जीवों में शोषण, जैसे हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम तेज गति से जब हम दौड़ते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही हम कर सकते हैं। ये प्रक्रम वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जैसे ग्लूकोज पेशों में ऑक्सीजन की अनुपस्थित में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, जैसे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, लैक्टिक अम्ल का संचरण पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करती है। गर्म पानी की स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल में स्नान अथवा शरीर की मालिश करने पर रक्त का संचरण बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन हो जाता है। जैसे अब आता है श्वसन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे देखिए, अंतः श्वसन ऑक्सीजन से समुद्र वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। और उच्च वसन कार्बन डाइऑक्साइड से समुद्र वायु को बाहर निकालना उच्च वसन कहलाता है। श्वसन दर व्यक्ति कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। जैसे अतः आप ये जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित हम नहीं रह सकते। श्वसन का सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना व ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, समृद्ध वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च वसन कहलाता है। एक सतत प्रक्रम है। प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अथवा जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास तथा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च वसन। क्या आप अपने श्वसन दर पता लगा सकते हैं? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा ये शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिचित होती रहती है? सामान्य हमें ये आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिकाएं करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। पूर्व हमें ज्ञात करने के लिए आप
विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं, कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतर श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? आप तेज चलने दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर के दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्ष से ये पता चलता है उपयुक्त क्रियाकलाप ने अपने आप अवश्य अनुपात क्या होगा। किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो तेजी से श्वसन करने की आवश्यकता होती है तो वो तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप इस हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे बल्कि अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है क्योंकि हम परिश्रम करते हैं। जैसे हम कई बार अधिक मेहनत करने के बाद खेत में जब हम काम करते हैं तो काम करने के बाद जब हम विश्राम करते हैं तो हमको भूख बहुत ही अधिक लगती है और विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन सामान्य अवस्था में 10 मिनट तक तेज दौड़ने चलने के उपरांत 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में सपाटे का नाम इसका हम श्वसन की हम गणना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति अथवा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार करते हैं, क्या आप कह सकते हैं किस क्रियाक्रम में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होती है? अपने अनुपात के आधार पर दिए गए श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में भी हम इसको पता लगा सकते हैं। जैसे हम श्वसन कैसे लेते हैं? अब हम श्वसन की क्रियाविधि पर जाएं। सामान्यतः हम अपने नथुनों नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली में होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित जैसे हमारे वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम मध्य पट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये गति हमारी वक्ष गुहा के श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है
ये गति हमारी वर्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं, उच्च वसंत के समय फसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वृक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है अपने शरीर में। हम इन गतियों को आसानी से अनुभव करते हैं।